Yeah, friends, hi, I'm Pauncharma, teacher of English class, English spring classes. If you all have faced any type of English problem, then please comment on my channels and please subscribe and ring the bell icon of my channels. That's all. Thanks, guys. आज हम वही पढ़ेंगे present continuous in the active, passive voice. क्या पढ़ेंगे? In the passive. Passive. देखिए इसका सिंटैक्स केस क्या होगा. सिंटैक्स मीन्स क्या होता है, सूत्र होता है ना. सूत्र हो गई, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होगा. ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एम या आर का यूज करते हैं. नेगेशन इज एन एम एंड आर एंड का यूज वर्ब में हमेशा आना होगा. बीइंग का यूज करते हैं, जिसका यूज करते हैं बीइंग, पैसिव है ना, तो गाइस बीइंग का यूज करते हैं. तो हमने आपको कोई एक रूल बताया था, लास्ट वाला रूल, कि गाइस कभी कभी गाइस क्या होता है, दो दो बी के फॉर्म आते हैं. तो इज एम आर तो गाइस एक बी के फॉर्म है ही, उसके साथ साथ बीइंग भी आ गया ना, दो बी के फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है ना. तो गाइस यही रूल था गाइस, कि दो बी के फॉर्म भी कभी कभी आ सकते हैं. और वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में गाइस सब्जेक्ट वाई प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, नहीं तो गाइस नहीं रखेंगे. सर ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं, ऑब्जेक्ट के द्वारा आ भी सकता है नहीं, वर्ब रहा है रही है रहे हैं रहा है रही रहे खाएंगे. मुझे शब्द के द्वारा बुलाया जा रहा है. तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसका लगाएंगे ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हम लोग इसका आई इज एम और ऑल इज आई है एम बी वर्ड बुलाया वर्ड कॉल वर्ड का कौन ना आगे कंफर्म कॉल बाय सर के द्वारा बाय सर शब I'm being called by sir. Can you? कॉपियां लिखी जा रही थी. कॉपीज जा रही है ना. कॉपीज being verb is can likhna likhne se the write aur aage sama pen written to copy are being written.